हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमांस कुक बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हरी मिर्ची की सब्जी। वैसे तो ये सभी के घर में बनती है, लेकिन सबका बनाने का एक अपना अपना तरीका होता है। तो मैं जिस हिसाब से मेरे घर पे बनाती हूँ वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा फटाफट बन जाती है, इसको स्टोर करके भी आप रख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट इसको बनाना। तो इसके लिए मैं ऑयल ले रही हूँ। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसे इसके अंदर डालेंगे सौंफ और काला जीरा। सौंफ और काला जीरा से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसी के साथ हींग डालनी है इसके अंदर, और अच्छे से जब ये भून जाएगा तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसी के साथ डालेंगे तुरंत ही हरी मिर्ची, जिसको मैंने हाफ इंच में कट करके लिया है। और ये वाली जो हरी मिर्ची मैं ले रही हूँ, ये वाली स्पाइसी हरी मिर्ची है, तो इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर हमें बहुत ही कम ऐड करना है। तो यहाँ पर अब डालेंगे हम लोग टेस्ट के हिसाब से नमक। ये पूरी सब्जी को आपको एकदम लो फ्लेम पर बनाना है, नहीं तो हमारी मिर्ची जल सकती है, इसीलिए एकदम लो फ्लेम पर ही इसे बनाएंगे। और अच्छे से इसको एक बार जब मिक्स कर लेंगे तो अब इसके अंदर डालेंगे हम लोग लाल मिर्ची पाउडर। सिर्फ कलर आपको चाहिए तो ही आप इसके अंदर ऐड करें, अगर आपको कलर के बिना भी पसंद आती है तो ऐसे भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेना है कंटिन्यू। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, जब तक कि हमारी हरी मिर्ची जब ये अच्छे से पक जाएगी तब हम इसके अंदर डालेंगे आमचूर पाउडर। खटाई के लिए आमचूर पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा मिर्ची के अंदर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो जब आप पूरी मिर्ची बना लेते हैं उसके बाद में आप इसके अंदर नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आमचूर पाउडर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी का कलर भी कितना अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। देखते ही आपको मन करेगा कि फटाफट से इसको खा जाए, बहुत टेस्टी लगती है। इसको आप रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ में भी आप सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी। इसको आप स्टोर करके 4 से 5 दिन तक रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अगर आपको सफ़र में भी लेके जाना है तो आप वहाँ पर भी लेके जा सकते हो। तो अगर आप इसको फ्रिज में रखते हो तो 1 वीक तक भी स्टोर करके रखते हो तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। बस इसके अंदर हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अगर आप इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तो हमारी हरी मिर्ची बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाएगी, इसीलिए बहुत ही कम सामान में मैंने इसको बनाया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये बताई हुई रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, फैमिली और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना। और मेरा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे इसी सबसे टेस्टी सी और फटाफट से बनने वाली रेसिपी के साथ। तो थैंक यू, तब तक इन्जॉय कीजिए इसको पराठा के साथ, चावल के साथ या फिर प्लेन रोटी के साथ। थैंक यू।